नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमंच। और लोकमंच में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आर्थिक सर्वेक्षण के मायने। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 संसद के पटल पर पेश कर दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का वार्षिक डॉक्यूमेंट होता है जो बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाता है। इसमें पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, इसका लेखा जोखा दिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण एक साल में सरकार की कई योजनाओं में क्या प्रगति हुई, इसको बताने के साथ साथ सरकार की बड़ी नीतियों की जानकारी भी देता है। कहीं ना कहीं आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने वाले बजट का आधार भी माना जाता है। आज लोकमंच में जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण ने देश के विकास की कैसी तस्वीर पेश की है और भविष्य में विकास की ये तस्वीर कितनी और कैसे बदलेगी। चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है जिनका परिचय एक एक करके मैं आपसे करवा देता हूं। जी हां, प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आर्थिक और पार्टी की तरफ से आर्थिक विषय देखते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तारिक अनवर जी हैं, सांसद हैं NCP। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि सीधे तौर पर आर्थिक विषय है तो शुरुआत मैं आपसे ही करता हूँ। अमन जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये तो सीधे सीधे आंकड़ों की बातें हैं, आंकड़ों की भाषा बोली जाती है, इसमें किसी तरीके की राजनीति या फिर बदल तो हो नहीं सकते। तो किस तरीके की तस्वीर आप इस आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए देश की देखते हैं आर्थिक तौर पर? देखिए, हिंदुस्तान का जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है उसकी छवि से हिंदुस्तान की छवि बड़ी अच्छी निकलती आ रही है विश्व के मामले में और हिंदुस्तान के देखते हुए। एक चीज़ और देखने को मिली, पहली बार ये जो सर्वे आया है, ये नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स होता था, एक रिपोर्ट कार्ड होती थी कि सर देश जो है कैसा चला है, सरकार चलाए या हिंदुस्तानी चलाएँ, बट देश कैसा चला है। इस बार सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं रह गई है, ये एक तरीके से पॉलिसी डॉक्यूमेंट निखर के आया है। इसने अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर जोर दिया है, तवज्जो दिया है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, सोशल डेवलपमेंट कैसी रही, वुमेन का कैसे रहा, अलग अलग सेक्टर्स को, सिर्फ इकोनॉमी या ट्रेड की बात नहीं करी है जो हमें पिछले इकोनॉमिक सर्वेज में देखने को मिलता था। एक चीज़ और जो देखने को मिली कि हमारी बहुत ही सारी आशंकाएँ हो रही थी हिंदुस्तान के प्रति, अर्थशास्त्री भी कर रहे थे और लोग भी कर रहे थे, हिंदुस्तान की ग्रोथ को क्या होगा, ये बड़ा अच्छा निकल के आया। और मैं पिछले 6-7 महीने से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान अच्छी ग्रोथ पे जा रहा है, और 7 से 7.5% मैंने भी कहा था, 7.5 से 7.5% रिपोर्ट में भी निकल के आया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसके भी ट्यून में आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 2018 में हम 7.3% की तरफ से और 2019-20 में 7% के हिसाब से ग्रो करने, जो मार्कडाउन निकल के आए हैं बड़े अच्छे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देखा है, 4,414 बिलियन डॉलर्स अभी जनवरी के अंदर ही, मिड जनवरी में ही, 12 जनवरी को हो गए हैं, मेरे विचार में 420 बिलियन डॉलर्स ये क्रॉस कर जाएगा मार्च के एंड तक, जब फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोजिंग होगा। अभी 2 महीने और हैं हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पिछले साल की देखी है 60 बिलियन डॉलर, करीबन 5 बिलियन डॉलर हर महीने आए, इस बार उम्मीद की जा रही है कि 70 से 72 बिलियन डॉलर करीब होगा, जिसका मतलब है 6 बिलियन डॉलर्स पर मंथ, काफ़ी बड़ा है, बिकॉज 0.2 बिलियन डॉलर 2000-2001 के अंदर थे, उसके 1.3 बिलियन 2010-11 के आसपास थे, और अब हम जाके देख रहे हैं ये 5-6 बिलियन डॉलर। हम ये देखना जरूरी है कि इसका मल्टीप्लायर, मतलब एक जो चीज़ निवेश आता है वो काफ़ी सारे निवेश और अपने साथ बांध के क्रिएट करता है, जॉब्स भी क्रिएट करता है। और जो पहले निवेश होते थे 1990s में जो होते थे, 2000 के बिगिनिंग में जो होते थे, उनके निवेश FDI में और अब के FDI में थोड़ा सा अंतर ये है कि पहले वो आते थे सब कुछ अपने आप शुरुआत से करते थे, कारखाने बनाते थे, चीज़ें बनाते थे, अब वो टेक ओवर के बाद पे आते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि टेक ओवर बहुत अच्छी चीज़ है, उससे कम से कम जॉब्स रीजनरेट होंगे, जो जॉब जाने की उम्मीद है वो कम होने की बात है। एक कार्यक्रम जो चल रहा है, एक एसेट जो बना हुआ है देश का, वो खाली पड़ा रहा है और हम नया बनाएं उसको देखें, उसको ध्यान से यूज करने वाली बात है। तो मेरे विचार में इससे जो ग्रोथ इम्पेटस जो सरकार को मिलेगा वो काफी ज्यादा मिलेगा, और जो 7.5% की भी की जा रही है रुचि वो ज्यादा हो जाएगी। दो तीन चीजें और निकल के आई, टैक्स बेस इंक्रीज हुआ, GST के अंदर 50% न्यू एनरोलमेंट, 50 मिलियन न्यू एनरोलमेंट्स हुए, इवन जो इंडिविजुअल एनरोलमेंट्स हैं वो 18 मिलियन के करीब इंक्रीज किए हैं। ये जो चीज़ें हैं देखने में आता है कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, जनधन स्कीम हुई, रिवैम्पिंग के अंदर जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए सरकार के, उससे पॉजिटिव
जो उसके रिजल्ट्स हैं, जो अब तक बात की जा रही थी कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ये जो आंकड़े हैं, हम मनी सप्लाई को देखें, मनी सप्लाई 3-4 साल से पहले तक 15-16% के करीब रहती थी, अब 10% के करीब रही है जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ये कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ, उसके बाद रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए, और सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन जो है कहीं ना कहीं मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम जी का था। देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर इस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं कि अरविंद सुब्रमण्यम जी का इस पूरे आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में क्या कहना था। I learned 8 things about the Indian economy that I did not know. I mean, it's just amazing how much the GST is going to, forget about taxes, revenues, buoyancies, etc. Our understanding of the Indian economy is going to increase by an order of magnitude, and we have some early samplers from that. For example, you know, I told you about the increase in indirect taxpayers. Also, how many, you know, taxpayers filed under the GST who did not have to file, who did not have to be part of the composition scheme. Huge numbers. For the first time, I think we have estimates of the size of the formal sector in India. Formal sector employment, formal sector economic activity. And I think I was blown away. So, for example, if you take the stock of formal employment in the in the non-agricultural sector, our estimate is that between 30% and 50% of this workforce is employed in the formal sector. It's a stock estimate, not a flow estimate. Similarly, if you look at the structure of exports in India, very unusual, very different from other countries. For the first time ever in the history of Indian economics, we have estimates of which states export how much internationally. It's amazing. And if you look at that and analyze that, you find that states that export more are also internationally are also the states that are more prosperous in terms of having a higher per capita GST. So this is just, I mean, the kind of wow, the epiphanic understanding that we got from the Indian economy is possible, and the GST is going to provide more and more such insights going forward. Yeah, kahin na kahin, अरविंद सुब्रमण्यम भी वही बात कह रहे हैं कमोबेश जो आपने कही है। उन्होंने कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया था जो इस बाइट में नहीं है, चुनौतियों की भी चर्चा करेंगे जो उन्होंने चुनौतियों की बात कही है। अभी मैं आपके पास आता हूं गोपाल कृष्ण जी, एक टारगेट सेट किया जाता है जब वित्त बजट जो है पेश किया जाता है, फिर पास हो जाता है, फिर एक साल बाद जब फिर से बजट पेश करने से पहले ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेखा जोखा होता है। पिछले वित्त वर्ष में जो एक गोल या टारगेट सेट किया था, क्या आपको लगता है ये उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता होने के नाते कहीं नजर आ रहे हैं, या फिर वो गोल के करीब तो पहुंचे हैं या दूर रह गए हैं या काफी दूर रह गए हैं, कुछ चुनौतियां थी, कुछ परेशानियां थी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा और कि आर्थिक सर्वेक्षण के दो हिस्से होते हैं जी। पहला है कि जो पिछले साल जो गया उसके अंदर आर्थिक परिदृश्य किस हिसाब से था, तो अगर उसमें हम देखें तो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स या आर्थिक सर्वे में दिए गए वो सब बहुत हेल्दी तरीके से उन्होंने उसको बताया। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अमन साहब ने बताया, प्रोफेसर अमन ने, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हेल्दी है, एफडीआई बहुत स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, सीपीआई 3.7% है, बिलो 4% है। फिर जीडीपी ग्रोथ को उन्होंने लास्ट ईयर लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि काफ़ी कम हो गया होगा, बहुत लोग कह रहे थे, लेकिन उसको 6.7% पे कहा और अगले साल के लिए प्रेडिक्ट किया अराउंड 7.5% की जीडीपी ग्रोथ के लिए प्रेडिक्ट किया। एक्सपोर्ट ग्रोथ को बहुत हेल्दी बताया, अभी आपके बाइट्स में भी दिखाया था कि उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट ग्रोथ हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, 12% ग्रोथ की एक्सपोर्ट ग्रोथ है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर कई लोगों को बहुत वरी थी कि क्या इतना जब सरकार खर्च कर रही है तो फिस्कल डेफिसिट हमारा खराब हो जाएगा, तो उसको भी 3.2% के अंदर उन्होंने कहा। तो जितने मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जिसके बेस पे हम पिछली साल की इकोनॉमी को कंसिडर करते हैं या एनालाइज करते हैं, वह वित्त आर्थिक सलाहकार ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि वह सब अच्छे हैं। अब उसके बाद अगले साल को वहीं से तो जंप करेंगे इकोनॉमी को,
तो उन्होंने कुछ कंसर्न्स भी दिए और यह कंसर्न्स बहुत आवश्यक हैं देश की अर्थव्यवस्था में लोगों को समझने के लिए कि क्या सरकार की समझ में वो चैलेंजेस हैं। स्पष्ट रूप से सरकार उन चैलेंजेस को एक्नॉलेज करती है और उस पर रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैलेंजेस को सरकार नहीं समझती या समझती है तो एक्नॉलेज नहीं करती, और एक्नॉलेज भी करती है तो उसके लिए रास्ता रोड मैप नहीं बनाती तो अर्थव्यवस्था प्रगति नहीं कर सकती। तो तीन चैलेंजेस उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताए हैं, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। ये तीनों सेक्टर्स के चैलेंजेस फोकस को उन्होंने कहा कि यह फोकस एरिया भी रहेंगे बजट के। तो मुझे लगता है कि सरकार अर्थव्यवस्था को बहुत सही दिशा में ले जा पाएगी, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रेस को प्रधानमंत्री ने भी माना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें और बहुत तेजी से काम करना है, बजट में उसके लिए बहुत अच्छे प्रावधान आने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का डिस्प्यूट कई विषय में जॉब क्रिएशन पे है, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए डिपेंड कर रहे हैं तो उसमें सरकार ने कुछ किया है, 10 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, उसमें से 3 करोड़ ऐसे लोन है जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, फर्स्ट टाइम बेनिफिशियरीज हैं, तो जरूर उन्होंने नए बिजनेस स्टैब्लिश किए होंगे तभी उन्हें लोन मिले, लेकिन इसको और बिल्डअप करना यह सरकार के लिए आवश्यकता है। एजुकेशन के ऊपर खर्च करने की बात है तो इसको लेते हुए सरकार आगे काम करेगी, यह बजट की एक्सपेक्टेशन भी रहेगी। और दूसरे एक बात उन्होंने अच्छी तरह से एनालाइज किया है वह है कि जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि इस देश में अर्थव्यवस्था में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्क्यूड है, जेंडर इनइक्वालिटी है, यानी महिलाओं के लिए उनका भागीदारी कम है, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर लिखा है कि क्या क्या सरकार ने काम किए हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए, क्या और करेंगे, उससे कैसे बेनिफिट होंगे। जनधन अकाउंट में उसमें दिया कि 40% ऑफ जनधन अकाउंट महिलाओं के लिए, उनकी सशक्तिकरण से जोड़ा है। तो यह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसमें डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, यह जो दो अर्थव्यवस्था के बड़े जिसको स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म्स की तरह से मोदी सरकार हमारी सरकार मानती है, उसके भी पॉजिटिव इम्पैक्ट को उन्होंने टैक्स कंप्लायंस में, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स के अंदर ये किए। तो मुझे लगता है कि ये आर्थिक सर्वेक्षण जो था, सर्वे था, या अपने आप में एक रिपोर्ट कार्ड भी है, आने का रोड मैप भी है, और एक वस्तु स्थिति को जनता के सामने रखने का एक माध्यम भी है जिस पे अच्छी तरह से काम किया। और मुझे लगता है परसों के बजट कैसा आना चाहिए उसकी भूमिका बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई है। जी, और महिला सशक्तिकरण की बात कही है, पहली बार पिंक शेड में जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, वो भी एक प्रतीकात्मक रूप से महिला सशक्तिकरण की तरफ जो है इशारा कर रहा था। आप पिछले बजट, जितने भी बजट अभी एनडीए गवर्नमेंट ने पेश किए हैं अपने इस कार्यकाल में, उसके आप साक्षी रहे हैं। और पिछली बार जैसे मैंने पूछा था गोपाल जी से कि जो आपने टारगेट जो है सेट किए थे वो आप अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, वो आर्थिक सर्वेक्षण में उसका रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो एक जर्नी एक साल की तय की है और जिसका रिपोर्ट कार्ड कहीं ना कहीं अमन जी कह रहे थे ये रिपोर्ट कार्ड नहीं है बल्कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तौर पर सामने आया है, पहली बार इस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, तो आपका मानना क्या है? मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सुषमा स्वराज जी जब वो विपक्ष की नेता थी जी, और इसी तरह पी चिदम्बरम जी ने आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट रखी थी और उसकी जब बहस चल रही थी तो उन्होंने यही कहा था कि ये आंकड़ों से लोगों का पेट नहीं भरता है और ये आंकड़े के मकर जाल से देश को निकालना होगा क्योंकि हम उसी में फंस कर रह जाते हैं और आम आदमी उसी में घूमता रह जाता है। सच्चाई तब पता चलती है जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, ज़मीन पर जाते हैं, और वहाँ जाकर जब देखते हैं कि जो हम बोल रहे हैं या जो हम दावा कर रहे हैं, सरकार जो दावा कर रही है, उसका लाभ आम आदमी को कितना पहुँच रहा है, गरीब को कितना पहुँच रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है उसको अगर देखा जाए, गहराई से देखा जाए, तो
सब कुछ ऊपर ऊपर से तो सभी ठीक लग रहा है, जो आंकड़े अभी दिए गए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन रिजर्व हमारे पास है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो गरीबी की समस्या है, जिसके बारे में भी पिछले दिनों एक सर्वे आया था कि लगभग 73% जो इनकम है वो 1% लोगों तक सिमट कर रह गई है। ये जो खाई बढ़ रही है, इसको हम कैसे दूर करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, कृषि की बात यहाँ कही गई, मैं समझता हूँ कि लगभग 50% लोग कृषि पर आधारित हैं, हमारे देश में किसानी पर आधारित हैं, और वो 50% जो लोग हैं उसका अगर देखा जाए, जो इस रिपोर्ट में हमने देखा है कि 2.1% की दर से पेश किया गया, उसका आकलन करने का भी ये समय है। और इससे सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से हो या सर्वेक्षण के माध्यम से हो, ये देखना चाहिए कि कितना उसमें हम कामयाब हुए हैं, हमारी सरकार कितना कामयाब हुई है। हम भी चाहते हैं, हम विपक्ष में ज़रूर हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, सुदृढ़ हो और इस देश के लोगों का जीवन स्तर ऊपर आए। जी जी, तो ये लेकिन आपने कहा कि आंकड़ों में कहीं ना कहीं उलझकर रह जाते हैं। हाँ। और चिदंबरम साहब जब वित्त मंत्री थे, जब उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था, तो इस पर टिप्पणी की थी विपक्ष के नेता होते हुए सुषमा स्वराज जी ने। लेकिन जो जिन कमियों की या खामियों की बात कर रहे हैं, या फिर जिन क्षेत्रों में उतना विकास नहीं हो पाया है या फिर विकास से थोड़ा सा दूर रह गए हैं, उसकी जानकारी भी हमें आंकड़ों के माध्यम से ही प्राप्त हो रही है। हाँ। कहीं आंकड़ों को हम नकार नहीं सकते, आंकड़े होंगे तब हमें सही तस्वीर पता लगेगी, और तस्वीर कैसे बेहतर करनी है या विकास की तरफ कैसे जाना है, तो उसका एक माध्यम आंकड़े तो है ही, तो आंकड़ों को नकारा तो नहीं जा सकता। आंकड़े हमको ये लगता है कि उसको बैलेंस करके देखना चाहिए। जैसे हमने आपको कहा कि एक आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि देश का 73% जो धन है वो सिमट कर 1% के पास चला गया है जी। तो इसको आप कैसे बांटेंगे, इसका वितरण कैसे करेंगे, ये भी देखने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ आंकड़े ही पर चलना है, मैं समझता हूँ कि आंकड़े के साथ साथ जो ज़मीनी सच्चाई है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको भी हमको देखना चाहिए। और सरकार की ये जिम्मेदारी है, कोई भी सरकार हमारी हो या भाजपा की हो। जी के एक टिप्पणी ले लेता हूँ, एक फिर ब्रेक लेंगे। जी, मैं इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जिसको कुछ 73% वेल्थ 1% लोगों के पास एक्यूमुलेट हो गई है, तो यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक सत्य है कि इंडिपेंडेंस से जो आर्थिक विकास हुआ देश का, वो कुछ लोगों के पास उसकी भागीदारी हुई। और इसको ठीक करने का क्या रास्ता है, कोई 3 साल में ये हुआ ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और उसको ठीक कैसे करेंगे, एक तो इसको ठीक तब कर सकते हैं कि आप टैक्स कंप्लायंस बढ़ाएं, जो लोग टैक्स इवेजन कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको कोई रास्ता, अगर वो लीगली इलीगली काम कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। और दूसरा, जो सरकार की डिलीवरी मैकेनिज्म है उसमें लीकेजेस थी, उसमें टारगेटेड लोगों को नहीं मिलती थी, जिनके लिए थी सब्सिडी वगैरह सरकार की स्कीम, उनको नहीं पहुंचता। तो इस सरकार ने इन दोनों पे बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिसका कि एक जनधन अकाउंट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू तो सरकार की डिलीवरी मैकेनिज्म को ट्रांसपेरेंट और लीकेज प्रूफ बनाया ही है। दूसरी बड़ी बात थी कि टैक्स कंप्लायंस के लिए अरविंद सुब्रमण्यम जी ने भी कहा कि बिग डाटा, जो जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण के कारण जो इकोनॉमिक डेटा जनरेट हुआ है, उसके थ्रू सरकार के पास अब आ गया एक माध्यम आ गया, जिसके थ्रू वो एनालाइज करे, टैक्स इवेडर्स को उनके ऊपर एक्शन ले और देश में एक ट्रांसपेरेंट कंप्लायंट टैक्स सिस्टम बनाए, तब ही ये डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म अच्छा हो पाएगा, सुदृढ़ हो पाएगा। इसके ऊपर सरकार ने बहुत काम किया है,
और चाहे आप 18 लाख लोगों को जो टैक्स के नोटिसेस किए डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण में, उन्होंने अलग अलग जगहों पे ज़्यादा पैसा जमा कर दिया बैंक अकाउंट में, जीएसटी के थ्रू ऑडिट ट्रेल इस्टेब्लिश हो गई है, और सरकार ने 4 लाख कंपनियों को नोटिस दिए हैं जो पीएमएलए के थ्रू ब्लैक मनी को सर्कुलेट करते थे। तो इन सब अल्टीमेटली इस जो प्रॉब्लम को अभी तारिक साहब ने फ्लैग ऑफ किया है, हम उसको समझते हैं और उसका रास्ते उसको ठीक करने का काम भी सरकार कर रही है और करेगी। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि टैक्स इवेजन और टैक्स कंप्लायंस, इन दोनों को हम बहुत मजबूती से रोकेंगे और डेटा के साथ एनालाइज करके इसको पारदर्शी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे। जी जी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसी के थ्रू ही बेटर मैकेनिज्म होगा जिसमें जन जन की भागीदारी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रॉपर होगा। जी जी जी। यानी कि जो आर्थिक बजट पेश किया जाएगा उसमें बहुत सारी चुनौतियों को समाहित करते हुए कैसे हम लोगों को विकास की तरफ अग्रसर होना है आर्थिक मोर्चे पर, उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा और एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और चुनौतियों की बात करेंगे कि अब इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद जो चुनौतियाँ सामने आ गई है उस पर किस तरीके से जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके क्या प्रावधान आने वाले बजट में वित्त मंत्री जी को रखने पड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और वापस लौटने के बाद अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद लोकमंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण के मायने जानने को लेकर। और ब्रेक के दौरान एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुंवर हरिवंश सिंह, सांसद अपना दल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बातचीत थोड़ा सा आगे बढ़ गई है, एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं जितनी बातचीत हमने की है। आर्थिक सर्वेक्षण को किस तौर पर देखते हैं, जैसा कि अमन जी ने कहा कि एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण हर सरकार के द्वारा, हर वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता रहा है, लेकिन ये केवल रिपोर्ट कार्ड तक सीमित लगता था, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तौर पर सामने आया है। जी, मैं भी यही बात मानता हूँ और ख़ास करके किसानों पर ध्यान दिया गया है, एजुकेशन पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि एजुकेशन हमारी बहुत पुअर है। जी, बहुत बड़ी डिग्री लेने के बाद भी जी बच्चे कुछ समझते नहीं हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कुछ उनको कुछ मिलता नहीं है, कुछ जॉब वगैरह मिलते नहीं हैं। जी, तो एजुकेशन में हमको बहुत कुछ करना है। लेकिन जो आर्थिक प्रगति की बात हुई है, जो खाका एक साल का जो है पिछले बजट से लेकर यह आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने का एक साल का जो वक्त गुजरा है, उसमें जो कमज़ोर कड़ी अभी भी नज़र आ रही है उसमें रोज़गार, कृषि और महंगाई कहीं ना कहीं अभी तक कंट्रोल में है, लेकिन कुछ एक वजह जो है आने वाले समय में चुनौती के तौर पर सामने आने वाली है, महंगाई भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो महंगाई तो मेरे ख्याल से कंट्रोल में ही है, अभी तो कंट्रोल में। जी, अभी कंट्रोल में ही है, आगे कंट्रोल में ही रहेगी, सरकार के हाथ में है महंगाई काबू में रखना। जी, ठीक है, उसके लिए किसानों को जरा प्रोत्साहन देना पड़ेगा। जी, मेरी अपनी ओपिनियन है कि किसानों को जो डीजल दिया जाता है, पेट्रोल उनके दिया जाता है, उसमें 10 रुपये लीटर की छूट देनी चाहिए, तो उनको थोड़ा सा एक लाइफ मिल जाएगा, क्योंकि किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है, भले वो उसके लिए मतलब गवर्नमेंट कुछ अपना जो भी टैक्स वगैरह लगाते हैं उसमें एग्जम्पशन दे दें या सब्सिडी करके दे दें, तो किसानों को थोड़ी राहत हो जाएगी और उनकी भी लिमिट कर दें कि ब्लैक नहीं कर पाएं, जैसे एक ट्रैक्टर पर 1000 लीटर, 2000 लीटर, 1500 लीटर जो भी देना हो जी साल का वो दे दें, पंप के लिए दे दें, तो ये मेरा सुझाव है सरकार को। जी जी, आपके माध्यम से। अमन जी, अब चुनौतियों की बात कर रहे हैं हम धीरे धीरे, और सबसे पहले हम आते हैं कृषि की बात शुरू कर दी है तो हम कृषि से ही शुरू कर लेते हैं। मैं सोच रहा था रोजगार के मुद्दे पर पहले आए, लेकिन कृषि एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, वक्तव्य देते हैं, तो ऐसा लगता है कि कृषि को लेकर बहुत संजीदा हैं और कुछ कदम उठाए भी हैं, जैसे नीम कोटिंग किया गया, ब्लैक मार्केटिंग होती थी कहीं ना कहीं यूरिया की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, उनके अकाउंट्स खोले गए, उनको कहीं ना कहीं ऋण देने की जो सहूलियत है वो बढ़ाई गई है, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में वो विकास की बात तो और परेशानियाँ लगातार जो है ज्यों की त्यों खड़ी हैं।
नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक तो कृषि बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, करीबन 75% जो हमारी जनता है अभी भी कृषि और कृषि उद्योग से जुड़ी हुई है। पहले हम सिर्फ कृषि कहते थे, जो 75% होती थी वो जाके घट के करीबन 65-68% रह गई थी, पर अब वापस लोग जो है कृषि उद्योग की तरफ, जहाँ पे कृषि के से मिलते जुलते जो फूड, एग्रो फूड और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उसमें गए हैं बच्चे। जो मेट्रो सिटीज़ में आ गए थे वो वापस जाके अपने उन्होंने बिजनेस शुरू किए हैं, ओवरसीज एक्सपोर्ट्स की बात की, ऑर्गेनिक जो हमारा जो अपने खाद से बनता था सामान, जिसमें कोई फर्टिलाइज़र या कोई ऐसी चीज़ दवाई नहीं डाली गई है, जो नेचुरल एक फूड होता था जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज़्यादा है और हिंदुस्तान में भी है, दुगने दुगने दाम पे बिकता है वो माल, उसके ऊपर वापस आते हुए नज़र आया है। कृषि भी जो है एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रोज़गार काफ़ी हद तक बढ़ता नज़र आ रहा है, और हमने देखा पिछले साल उन्होंने फूड जो एनसेसरी फूड प्रोसेसिंग यूनिट थी उसके लिए FDI के अंदर निवेश का जो है ओपन अप किया, इस बार भी रिटेल में ओपन अप किया। जब हम रिटेल में देखा है उससे फूड के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज से जो रिटेल ओपन होने से जो जो कंपनियां आएंगी सिंगल ब्रांड वाली भी, वो उसमें कृषि के भी प्रदात आते हैं, कृषि से उत्पादित हुए हुए और बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी आते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मेन कृषि का गेहूँ चावल नहीं, बाकी भी चीज़ें आती हैं उसमें, मेरे विचार में उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। और एक एक नया रूप लेने की बात है, नया ढंग से सोचने की बात है, जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात मैं करता आया हूँ लोकसभा टीवी पे बहुत बार कहा है मैंने, एक करना जरूरी है, एक जागरूक करना जरूरी है, किसान को एक एम्पावर करने की बात है। हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं, कार फाइनेंसिंग, घर फाइनेंसिंग, हम कृषि को क्यों नहीं फाइनेंस करते हैं? नबार्ड भी बन गया है और भी बन गया, पर एक जाके किसानों कहे कि ये मैं तुम्हें ट्रैक्टर दे रहा हूँ, कंपनियां आगे कहें ट्रैक्टर दे रहा हूँ, ये बैंक ये फाइनेंस कर रहा है, जैसे कार कंपनी के पास जाएं तो वहीं पे फाइनेंस वाला बैठा होता है। ऐसे मिलजुल के जो नीतियां हैं बनाई जाएं, जहां पे उसको फाइनेंसिंग दी जाए, उसे कहा गया भैया तुम्हारा उत्पादन होगा, इससे जो पैसा आएगा उसमें से तुम देते रहें। अभी सिर्फ फैसिलिटीज़ तो हैं, बट बेचारा किसान को पता ही नहीं है क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वो उत्पादकता कैसे बढ़ाएगा। ग्रीन हाउसिंग की बात है, आज से 30 साल से ग्रीन हाउसिंग चल रही है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्टिविटी होती है, उसका भी हम लागू नहीं कर पाए हैं अभी तक। ये हमारे ऊपर देखने पानी के अंदर हम अभी भी जो है रेन के ऊपर, जहाँ विश्व पानी इसराइल जैसा देश जो है जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, छोटा सा देश है, पानी नहीं है, उसके बाद भी वो कृषि करता है और चीज़ें करता है, यहाँ से जैन कंपनी है एक जो उससे इरिगेशन फैसिलिटीज लेता है, चीज़ें करता है। हम लोग हिंदुस्तान में जो कृषि प्रदेश देश है, सबसे ज़्यादा कृषि प्रोड्यूस करते हैं, हम वहाँ नहीं कर पा रहे। मेरे विचार में हमें एक नया रूप लेने जरूरत है कृषि के अंदर, एक नई थिंकिंग की जरूरत है, जिस तरीके से हम पहले काम करते आए हैं उसको ख़त्म करके नए सोच, जैसे प्रधानमंत्री जी ने हर एक चीज़ में नई सोच की लागू की है, चाहे मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, चाहे वो जनधन की बात की गई हो, चाहे कैसे इंक्लूजन की बात की गई हो, चाहे GST, नए नए प्रधान रिफॉर्म्स आए, ऐसे मेरे विचार में एक मेजर रिफॉर्म कृषि के अंदर जरूरत है, जिसमें किसान जो है सेंटर हो, किसान की बढ़ोतरी। अगर हमारा किसान खुश होगा तो हिंदुस्तान का हर नागरिक खुश होगा। जी गोपाल जी, कहीं ना कहीं प्रोफेसर अमन ये कह रहे हैं कि जो है स्थिति में सुधार हो रहा है, कमोबेश पहले जो स्थिति थी उसे बेहतर हो रहा है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। और लगातार मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के वक्तव्यों में और बातों में कहीं ना कहीं बहुत संवेदना झलकती है किसानों को लेकर, और बहुत सारे कदम उठाए भी गए हैं, लेकिन देखते देखते 4 बरस गुजर जाएंगे इस सरकार के कार्यकाल के लिए, कार्यकाल के और कहीं ना कहीं अंतिम वर्ष एक चुनौती होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष भी कहा जाता है, तो वहाँ पर तो आपको थोड़ा सा कदम तेज बढ़ाने होंगे जिससे आप दिखा सकें कि परिणाम कहाँ पहुँचे। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण में भी बहुत स्पष्ट रूप से सरकार ने अपने कमिटमेंट को कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पहला यही वाक्य था कि 2022 तक जो हमारा कमिटमेंट है हमारी मेरी सरकार का कि कृषि क्षेत्र के में किसानों की आय को दुगना करना, हम उस पर स्टैंड कर रहे हैं, उस कमिटमेंट को हम ओन कर रहे हैं और वो करेंगे। अब उसका रोड मैप क्या है? तो देखिए, कृषि क्षेत्र की बात अगर हम लेते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ने से कृषि क्षेत्र के किसानों को फायदा नहीं होता। कई बार जैसे प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो दाम गिर जाते हैं। तो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण सरकार ने कदम दिए हैं, ये जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मध्य प्रदेश ने भावांतर की स्कीम निकाली है, MSP, कई लोग कहते हैं कि MSP बढ़ा दो। MSP केवल बढ़ाने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि MSP के साथ इन्फ्लेशन भी जुड़ा होता है। MSP के साथ अगर हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है, तो कितना गेहूँ चावल खरीदते हैं और वो सड़ जाता है सड़क पर पड़ा हुआ। तो सरकार के पास उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अगर नहीं इंक्रीज होती है तो केवल MSP
बढ़ा के खरीद के रखते हैं तो कहाँ रखेंगे। तो यह सारी समस्याएं हैं। पीडीसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। तो सरकार ने एक इनोवेटिव स्कीम को सोचा है, जैसे भावांतर है कि किसान उस माल को अपने प्रोड्यूस को मार्केट में ओपन मार्केट में बेचे और उसका जो डिफरेंस है एमएसपी जो डिसाइड है उसका जो डिफरेंस है सरकार उसको दे सकती है। तो कम से कम स्टोरेज और सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो सरकार का बचेगा। दूसरा, सरकार वेयर हाउसिंग और वगैरह में काफ़ी इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहे का काम कर रही है, चाहे ग्रामीण सड़क योजनाएं हैं। तीसरी बड़ी बात है कि किसानों का इंश्योरेंस में भी कुछ बदलाव आ सकता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन का इंश्योरेंस करें। अभी या तो केवल इंश्योरेंस जो किसानों को मिलता है वो उसका पूरा माल नष्ट हो जाए, उसको कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, पूरे गांव के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा, 50% था पहले कि 50% किसी क्षेत्र में आपदा के कारण कृषि नष्ट होती है तब उसे कंपेंसेशन मिलता है, उसको सरकार ने अब 30% कर दिया, वो बेनिफिट में है। उसके इंश्योरेंस में भी सरकार 50% का डिस्काउंट देती है, यानी प्रीमियम सरकार वहन करती है। लेकिन सरकार और प्राइस फ्लक्चुएशन को भी इंश्योरेंस में इनकॉर्पोरेट करने का सोच सकती है। तो कृषि क्षेत्र में और वैकल्पिक योजनाएं चाहिए, वैकल्पिक रोजगार की योजना चाहिए। अभी हमारे देश की 50% जनता कृषि पे। मेरा सवाल ये था कि क्या स्पीड अप हो पाएगा? बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं कि जो नए नए प्रावधान करके उसकी जो फोकस जो है सरकार का यह है कि कृषि में आमदनी बढ़े ना कि प्रोडक्शन बढ़े, एक तो ये फोकस है। दूसरा, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी सुरेश प्रभु जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है जो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचनी चाहिए कि अभी तक की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी थी हमारी देश की कमोडिटीज को लेके वो खासकर कंज्यूमर की प्राइस को देख के ली जाती थी। अब सरकार उसको प्रोड्यूसर यानी फार्मर के इसका हित भी ध्यान में रखते हुए वो ध्यान रखेंगे। अभी प्याज के दाम बढ़ गए, मान लो प्याज कमी हुई, प्याज के दाम बढ़ गए तो सरकार पहले क्या करती थी, इंपोर्ट कर लेगी और किसान का तो वो उसने जो उगाया प्याज उसका दाम उसको मिला नहीं, तो फिर कभी दाम गिर गए तो एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया। तो सरकार का अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी किसानों का हित ध्यान में रखेगी। तो एक सर्वांगीण विकास के थ्रू किसानों का फोकस प्रोडक्शन की बजाय इनकम जनरेशन पे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ला रही है, रिस्क मिटिगेशन जिसको कहते हैं, उनका रिस्क कम हो, उनको सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा बढ़े जिससे स्टोरेज वेयर हाउसिंग सप्लाई चेन बढ़े और अल्टीमेटली उसकी इनकम बिने वैकल्पिक योजनाओं के द्वारा, जैसे डेयरी फार्मिंग में सरकार बहुत फोकस कर रही है, डेयरी के प्रोडक्ट जो हैं उससे किसानों की वैकल्पिक आय बढ़ सकती है। क्लस्टर, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के क्लस्टर बनाने की बात करी है ग्रामीण रूरल क्षेत्रों में, उनको इंसेंटिव दे रही है उन क्लस्टर डेवलपमेंट को ग्रामीण लघु उद्योगों के लिए। तो इन सब से किसानों की आय दुगनी पक्का होगा। सरकार ने राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह कमिटमेंट को कहा है कि मेरा कमिटमेंट है। तारिक जी, क्या कमिटमेंट नजर आ रहा है सरकार का जिस तरीके से बता रहे हैं गोपाल जी कि लगातार कदम उठाए गए हैं और कदम जो है ये साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबा प्रोसेस चाहिए, एक जो है समय लेने वाले, कहीं ना कहीं ये शुरुआत की गई है लेकिन इसको थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए सर जो है बार बार प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात करते हैं न कि इस कार्यकाल तक। देखिए, पहली बात तो ये कि 2022 तक का लक्ष्य ही गलत है, ये सरकार 2019 तक के लिए बनी है। जो भी लक्ष्य इनको रखना चाहिए था 2019 का रखना चाहिए था, उसके बाद अगर दोबारा चुन के आते तो फिर 5 साल का लक्ष्य रखते, चले ठीक है 2022 का ही लक्ष्य रखा है। लेकिन 2022 का लक्ष्य अगर आप रखा है तो उसका कुछ सिम्टम नज़र आना चाहिए कि भाई आप 5 साल में दुगना करने जा रहे हैं, तो हर वर्ष 20% आमदनी बढ़नी चाहिए किसानों की, वो तो हो नहीं रहा है। एमएसपी की बात किया उन्होंने कि बढ़ाई गई है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता, वही न्यूनतम मूल्य आप दे भी रहे हैं, लेकिन आज जो किसान को क्या होता है, जब किसान अपना घर में खेत में पैदा करता है तो उस पर एक तो वो कर्ज के बोझ से दबा होता है, उसको ये लगता है कि जल्द से जल्द हमारा जो अनाज है वो खरीद लिया जाए और उसका पैसा हमको भुगतान किया जाए, ताकि वो जो चाहे वो फर्टिलाइज़र के लिए कर्ज लिया हो, चाहे बीज के लिए कर्ज लिया हो या और किसी प्रकार का कर्ज लिया हो, उसकी फ़ौरन वो चुकती करना चाहता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है।
आज किसान मजबूर है कि जो न्यूनतम मूल्य सरकार ने निर्धारित किया है उससे कम दाम में बेचना पड़ता है मजबूरी की हालत में। तो एक तो सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि आप जब कोई किसी भी वस्तु का अगर आप न्यूनतम मूल्य आपने तय किया है तो किसान को कम से कम उतना तो मिल जाना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। तो 2022 का लक्ष्य अच्छी बात है, लेकिन ये तभी पूरा होगा जब उस दिशा में आप कदम बढ़ाएंगे। आप जो कुछ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम 2022 में करेंगे, तो ये 5 साल जो आपका समय था इसमें आपने क्या ऐसा काम किया जिससे किसानों की स्थिति बदलती? क्योंकि आत्महत्या की तादाद कम नहीं हुई, उनकी संख्या कम नहीं हुई, आत्महत्या का सिलसिला वैसे ही जारी है। तो आखिर उन कारणों में जाना पड़ेगा सरकार को और देखना पड़ेगा कि अगर सही मानों में किसान जो इस देश की 50% आबादी है उसको कैसे हम ठीक करें। दूसरा, जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि आज जो बात इन्होंने कहा कि गोपाल जी ने कि मार्केट में पहुंचाने का बात है, मार्केट में कैसे पहुंचाएगा? आज के न सड़क उसको मुहैया नहीं है, उसके पास वो तमाम सुविधाएं मुहैया नहीं है, तो इसलिए वो अपना माल चाहता है कि कोई आके वहीं उसके घर पर से ख़रीद के ले जाए, और उसमें बीच के जो बिचौलिए होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, वो उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं, उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। तो मिडिल मैन से कैसे किसानों को बचाया जाए, बिचौलिए से कैसे बचाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं इसके लिए भी प्रावधान तो किए हैं कि सीधे बाजार में जाकर भी आप अपना जो है खाद्यान्न या फिर आप अनाज बेच सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी शुरू की गई है, कनेक्टिविटी हुआ है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। अब जैसे स्वास्थ्य की बात अभी कही गई, अमन जी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा होना चाहिए, जितना ध्यान होना चाहिए, जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो नहीं है। आज स्वास्थ्य को लेकर आज आम आदमी क्या मिडिल मैन परेशान है। आप रोज़ अखबार में रोज़ पढ़ते हैं किस तरह से जो जिस तरह से स्वास्थ्य सेवा का एक तरह से उद्योगीकरण किया गया है, तो वो आज आम आदमी के बूते से बाहर है, वहाँ नहीं पहुँच सकता वो। उसी तरह शिक्षा को भी देखिए, उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है। आज कोई भी अगर थोड़ा भी वो समर्थ है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता, वो प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का स्तर हम ऊँचा नहीं कर पाए। तो शिक्षा आज आप जाए गांव में देखें, शिक्षक नहीं है, बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, उनको जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूल का वो नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आप शिक्षा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? जी, तो चलिए, एक और बड़ी चुनौती है जो लगातार जो है परेशानी का सबब भी बनती रही है और कहीं ना कहीं प्रश्न भी उठाती रही है, और वो है रोज़गार। तमाम जो है प्रावधान किए हैं सरकार ने, और एक तस्वीर जो उभरी है वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में भारत अग्रसर हो रहा है, और सबसे 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन भी गया है भारत, लेकिन रोज़गार जो है उस तरीके से जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, वो एक चुनौती रहेगी इस बार के बजट में भी वित्त मंत्री के सामने? देखिए, GST आने के बाद एक बेस बन गया हमारा जी, 45 लाख लोग टैक्स भरते थे, अब 96 लाख लोग हो गए। देखिए, मतलब 7-8 महीने की बात है, तो इससे जो है मजबूती बढ़ेगी, टैक्स ज़्यादा आएगा, एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च होगा, अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये जो जाप की बात है ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक बार देखिए सुधार आते हैं, नोटबंदी हुई, एक सुधार हुआ, तमाम ब्लैक मनी बाहर आई, इसके बाद GST आ गया, और इसी के साथ हाउसिंग में एक कानून आ गया रेरा जी, तो रेरा भी आ गया, तो हाउसिंग में जो लोग 10-10 साल बना के देते नहीं थे, चीटिंग करते थे, वो सारी बातें अभी खत्म हो गई। जी जी, आपने रेरा की बात कही है, और आपका व्यवसाय, आप भी इसी व्यवसाय से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक सेक्टर है जिसमें लगातार जो है मंदी की मार लगातार पड़ रही है, ये भी इस क्षेत्र को, इस सेक्टर को कैसे उबारा जाए, वो भी एक चुनौती रहेगी मेरे ख्याल से सरकार का ध्यान उस पर है, इस बजट में उस पर ध्यान आएगा। और छोटे तो मकान प्रावधान होने चाहिए, छोटे मकान बना के लोगों को मकान मिले, सरकार उसमें सब्सिडाइज कर रही है, 1.5 लाख रुपया करीब प्रधानमंत्री जी से आ रहा है उनके मतलब अकाउंट से, और दूसरा जो है 1 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, 2.5 लाख रुपया सबको सब्सिडी मिल रही है, 5 या 6 लाख रुपये मकान देने की बात हो रही है, तो सबको मकान होगा, मकान जब बनेगा तो रोजगार पैदा होगा। एक मकान जब बनता है तो 73 इंडस्ट्री चलती है जी, ठीक है, तो 73 इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा, करीब 60% एम्प्लॉयमेंट इसी में हो जाता है हाउसिंग सेक्टर से जी, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट है इसमें, तो जरूर उसमें मंदी आई है,
और अभी रेट्स भी कम हो गए हैं 10% 15%। लेकिन कहीं ना कहीं राहत देने की भी जरूरत है क्या इस सेक्टर को? आपने कहा कि मंदी राहत देनी चाहिए, राहत देनी चाहिए। जैसे बैंक है, बैंक इस पे फाइनेंस करने नहीं आ रही है जी, प्रोजेक्ट पे फाइनेंस नहीं हो रहा है, तो बैंक से कहा जाए कि फाइनेंस दें इनको, अपनी सिक्योरिटी लें पूरा सिक्योर हो। अब बैंकें तो अपने मनमानी फाइनेंस कर देती हैं, एनपीए बढ़ गया देश का, तो उनको हाउसिंग में अच्छे लोगों को फाइनेंस देने में क्या तकलीफ है? फाइनेंस देंगे तो रोजगार बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से सरकार का ध्यान इस पर भी है कि गवर्नमेंट बैंकें कम से कम जो फाइनेंस करें और रोजगार बढ़े इस हाउसिंग सेक्टर में और लोगों को मकान मिले जी, जी। अल्टीमेट देखिए, रोटी कपड़ा और मकान तीन चीज़ बेसिक नीड है और तीन चीज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कैसे प्रोवाइड होती है ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो अब हाउसिंग में किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाउसिंग के लिए ध्यान दिया है। तो जो आदमी जिसके पास छप्पर नहीं था वो पक्के मकान में रहेगा, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती जी। अमन जी, एक और जो है जिस पर अभी तक कंट्रोल किया हुआ है सरकार ने, वो है महंगाई। महंगाई पर कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बरस में शायद ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने बनकर आ सकती है महंगाई, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइजेज अब जो है लगातार बढ़ रहे हैं। आपको भी लगता है कि अगर ऐसा हुआ, इसके लिए भी पहले से ही प्रावधान करने चाहिए बजट के भीतर ही, तो इस चुनौती को हम झेल सकते हैं या फिर इसे पार पा सकते हैं? मैं इस पे आऊँगा, इससे पहले मैं एक रोज़गार के ऊपर जरूर कहना चाहूँगा। हाँ, हाँ, एक नज़रिया देखने की बात है, हर बार रोज़गार को सिर्फ सरकार जॉब दे, सरकार रोज़गार दे, ये जो एक टिप्पणी पिछले 40-50 सालों से चलती आ रही है कि सिर्फ सरकार जॉब देगी, ये गलत चीज़ है मेरी। एक जो चीज़ देखने की है ये लाइवलीहुड, कि हम कैसी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। पैसा कितना भी कमा रहे हैं उससे, या हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उससे नहीं होता है। खुशहाल ज़िंदगी देखना, एक हैप्पी लिविंग जिसे हम कहते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम विश्व के अंदर देखें, मैं वर्ल्ड बैंक में काम किया 17-18 साल पहले, वहाँ से भी और जगह गया हूँ, देखा है मैंने, ये देखें तो ये देखने को मिलता है कि कम से कम 40,000 से 50,000 जॉब हर महीने अभी भी अलग अलग देशों में लूज़ हो रहे हैं। हिंदुस्तान में कम से कम इतना तो लॉस नहीं हो रहा, स्टेबल है, हल्का हल्का बढ़ोतरी हो रही है, बहुत तेज़ बढ़ोतरी नहीं हो रही जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा गया था। पर एक जो हम शिफ्ट हुए हैं कैश इकोनॉमी से लेस कैश इकोनॉमी के ऊपर, उसका मेजर इम्पैक्ट तो होना ही था, पर फिर भी हमें इतना फॉल देखने को नहीं मिला जो विश्व में अभी भी हमें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूके हो, यूरोप हो, जापान हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, सब जगह लॉस ऑफ जॉब्स जो है करीबन 40,000 से 50,000 जॉब्स हर महीने जा रहे हैं। तो अगर उस नज़र से देखा जाए, हम लोगों की कंडीशन जो है बड़ी अच्छी है। दूसरी चीज़ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिसको मजाक बना दिया गया, मेरे विचार में अच्छी बात नहीं, जो मैंने कहा लाइवलीहुड, हैप्पी लिविंग की बात। अगर एक समोसे वाला समोसे देख के पैसा कमाता है और अपने घर को चलाता है और खुशहाली लेता है, क्यों ये देखे कि सिर्फ सरकार जब कहेगी कैंटीन खोलो तो तभी बनाएगा? वो अपना नहीं कर सकता है क्या? वो अपना करे, लोगों को रोजगार दे। प्रधानमंत्री जी ने भी रोजगारी की है, जब वो शुरुआत अपनी जिंदगी की उन्होंने क्षमता बनाने लेबर करके काम किया उन्होंने, तब की है उन्होंने। मेरे विचार में एक ही जो लोगों की सोच है, ये सोच को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हमने भी सजेस्ट किया और सरकार उसके ऊपर देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी देख रही है, कि एक नेशनल लेबर एक्सचेंज को स्ट्रेंथन किया जाए, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाए, ताकि जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट बने और फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम जा सकें। हमने सजेस्ट किया और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में भी किया, ADB में भी किया, बड़ा अच्छा, काफ़ी देश उस प्रोजेक्ट के ऊपर, मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी हमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से आया कि वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, करने की कोशिश कर। मेरे विचार में एक नई थिंकिंग की बात है उस नज़रिए को दें। जहाँ पे अब आपने महंगाई की बात करी, बड़ी अच्छी बात करी, और इसको एक मेजर रिस्क फैक्टर कहा गया है कि ऑयल के प्रति। पहली बात तो ऑयल के अंदर ये चीज़ है कि लोगों को जो नहीं पता होता और सरकार भी पूरी तरह से नहीं समझा पाती है, कि ऑयल जितना सरकार खरीदती है, सिर्फ हिंदुस्तानी किसी की भी सरकार खरीदती है, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पहले 10-10, 15-15 साल के होते थे, अब जो है 3-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो हमने लास्ट कॉन्ट्रैक्ट किए थे जब प्राइसेस बढ़ने लगी थी और वो रिन्यू होते रहते हैं, वो करीबन $45 से लेके $52-53 पर बैरल के आसपास हमने किया हुआ है। उससे हमारी ज़्यादातर क्षमता तेल की जो हम खरीदारी करते हैं, वो जितनी रिक्वायरमेंट होती है, बजटिंग की जाती है, उसको देखा जाता है, वो खरीदते हैं। जो सिर्फ थोड़ा माइनर अप एंड डाउन होता है डेली बेसिस पे, वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, ओपन बाजार से खरीदा जाता है, उसकी प्राइस मार्केट वैल्यू आती है, ना कि सारे तेल की। तो एक ये जो चीज़ जो मिसनॉमर तेल कंपनियां भी कहती हैं, मार्केट भी कहती है कि ओ तेल बढ़ गया तो बढ़ना चाहिए, अरे भाई जब सारा तुम तेल एक फिक्स प्राइस पे खरीद रहे हो तो ये कहां से बढ़ने की बात? आपके पास स्टोरेज है, तो फिक्स प्राइस पर खरीदा हुआ है, तो कहां से तो बढ़ नहीं सकता। दूसरी चीज जो स्टेट टैक्सेज हैं, वो करीबन 45% से 70% जो है स्टेट टैक्सेज हैं इस प्राइस के अंदर। अगर हम इसको GST के अंदर ले आते हैं, मेरे विचार में जितना बेनिफिट, चाहे 5% 10% सैलरी के अंदर या टैक्स के अंदर कम करने से,
कुछ ज़्यादा नहीं होना, बट जो जीएसटी भी अगर इसको लेके आते हैं उससे जो बॉयंसी मिलेगी, इन्फ्लेशन भी फॉल कर जाएगा और जो ग्रोथ बॉयंसी मिलेगी, सर्विसेज में ग्रोथ होने की उम्मीद है, लोगों का जब खर्चा कम हो जाएगा, एक आम आदमी का, एक मैन्युफैक्चरर का, एक एमएसएमई का जब खर्चा एकदम से कम हो जाएगा, जैसे अभी तेल साहब की बात कर रहे थे कि ₹10 में क्यों दिया जाए, मार्केट पे लो मार्केट रेट, बट जब उसकी तेल की प्राइस कीमत कम हो गई और उसे बेनिफिट जो है एक आम आदमी को मिल रहा है। हम बाकी टैक्स में देखें, 18, 19, 20 किस्म के टैक्स थे, एवरेज टैक्स 35% से लेके 55% तक की मार पड़ती थी, अब सिर्फ 28% हाईएस्ट है। तो मेरे विचार में एक ये तीसरी चीज जो है हमारा एक्सचेंज रेट है वो बहुत जो है सुदृढ़ स्ट्रेंथन होने की उम्मीद की जा रही है और बढ़ भी रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसको आरबीआई बढ़ने दे, अपने लेवल पे आने दे जो इस समय विश्व के अंदर इसके लेवल है, तो हम देखने को मिलेगा इस सरकार के पिछले शतक में देखा भी हमने, जब 40 रुपए से 30 रुपए हुआ था तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल था, क्योंकि हमारे जितने भी इम्पोर्ट, चाहे वो मेडिसिन खरीदें हम, चाहे वो तेल खरीदें हम, चाहे वो इक्विपमेंट्स खरीदें, चाहे नॉलेज के लिए खरीदें, इंटेलिजेंस खरीदें, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदें, सारे इनइलास्टिक हैं। अगर हम उसका रेट हमारा कम हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है रुपया, तो उससे हमारा जो रेट इंपोर्ट जो एक्सचेकर के ऊपर पड़ता है वो कम भार पड़ेगा, और अगर हम कम भार पड़ेगा तो हमारी जो कैपेसिटी, और हमने स्टडी की है, एक रुपया अगर फॉल करता है रुपया, मतलब अगर 67 से 68 होता है या 50 से 51 होता है, तो उसका मतलब है कम से कम 8 से 10 साल हिंदुस्तान को पीछे भेजना। अगर बढ़ेगा तो उससे बढ़ोतरी, बिकॉज हर एक की प्रोडक्टिविटी, हर एक बच्चा इस समय फिर लैपटॉप अपने आप मार्केट से, वो क्यों देखेगा कि सरकार लैपटॉप लेके देगी या घर लेके, अपने आप खरीदने की क्षमता रखने की उम्मीद कर सकता है। और मेरे विचार में जितने भी रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं वो सारे डू अवे हो जाएंगे अगर हम रुपये को अपने स्तर पर जैसे बढ़ रहा है आरबीआई भी और सरकार भी बढ़ने दे। और अपने जी, गोपाल जी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है और अंतिम टिप्पणी मैं आप दोनों से ले लेता हूं। मैं गोपाल जी से एक बार, 10 रुपए की जो डीजल की बात मैंने कहा वो किसानों को सब्सिडी के रूप में कहा, हमने ये नहीं कहा कि सबको दे दीजिए, अब किसान सिर्फ 10% जितना खर्च होता है डीजल पेट्रोल उसका 10% किसान यूज करता है, तो 10% में अगर थोड़ा सा कुछ कंसेशन दे दिया गया 1% का फर्क पड़ेगा। जीएसटी में तो लाने का कोई प्रावधान लग नहीं रहा है मुझे, लेकिन एक ऐसी चीज है पेट्रोल और डीजल जो सीधे तौर पर हिट करती है या फिर कहीं ना कहीं वो एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, तो उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश या कोई प्रावधान हो सकता है क्या इस बार के बजट में? देखिए, लॉन्ग टर्म में सेंटर ने तो कमिट कर दिया है कि हम जीएसटी में लाना चाहते हैं, लेकिन वह जीएसटी काउंसिल में इसका डिसीजन होगा। और आर्थिक सर्वे में ये बात स्पष्ट आई है कि अब स्टेबलाइज हो गए और इन्फ्लेशन का जो ऑयल प्राइसेस का इंटरनेशनल ग्लोबली राइज करने की बहुत उम्मीद अब नहीं है, क्योंकि अमेरिका का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चिंता के विषय नहीं है, चैलेंज है। तीसरी बात, रोजगार में मुद्रा लोन का 10 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं और उसमें से 3 करोड़ नए लोगों को लोन दिए हैं, वो बिजनेस जनरेट करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इस बात को लोग इग्नोर करते हैं। चौथी बात, ईपीएफओ और ईएसआई का डेटा, इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अंडर जीएसटी 53% लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में आके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, जो पहले कृषि क्षेत्र में केवल 31% था। तो 31% से बढ़ के ईपीएफओ और ईएसआई के डेटा से अंडर जीएसटी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बढ़ी है, फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है वो 53% का ग्रोथ हुआ है। तो जब फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी होती है, ज़्यादा उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर की लाइफ अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट के चैलेंज को सरकार टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन ऐसे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, उसको इंसेंटिवाइज करेगी ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो। और अगर जीडीपी ग्रोथ हमारी 7.5% पे रहती है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग हम इकोनॉमी बन के जा चल रहे हैं, आगे भी रहेंगे, तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार इतना खर्च कर रही है तो एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है, काम तो कर, रोजगार तो है ही आने वाले तो समय में जो है कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट लिंक है इकोनॉमिक ग्रोथ का रोजगार से वह स्टैब्लिश रहता है, उस चीज को इग्नोर करने का कोई औचित्य नहीं। तारिक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं लेकिन समय जो है इजाजत नहीं दे रहा है, समय थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है, लेकिन हम लोग यहां पर मिले बैठे और आर्थिक सर्वेक्षण पर बात की और इसका क्या रिफ्लेक्शन जो है आने वाले बजट में नजर आएगा उसकी हमने चर्चा की और कुछ चुनौतियां हमारे सामने रहेंगी आर्थिक तौर पर इस पूरे साल में, उससे कैसे हम निपटेंगे या फिर उसका सामना कैसे करेंगे वो एक बड़ा सवाल रहेगा वित्त मंत्री जी के सामने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। और लोकमंच में आज के लिए इतना ही। लोकमंच में आपसे फिर भेंट होगी, फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।